thank you so much for being here. Javed Bhai, Shavana Ji, Vikram Ji, the media, Sushant, Siddharth. I know today is a very funny day. We've got about 10 screenings and about 15 events happening simultaneously. And I'm sure everybody who's present here is present for the cause that we're about to present. दोस्तों मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का देश की इकोनॉमी में हर साल का कंट्रीब्यूशन तकरीबन 1,75,000 करोड़ रुपए है। इस इंडस्ट्री की वजह से मुंबई को पूरे देश में नहीं दुनिया भर में जाना जाता है। टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। इनफैक्ट मुंबई शहर को बॉलीवुड के नाम से भी लोग जानते हैं। लगभग 3 लाख वर्कर्स एक्टर्स एक्सक्लूडेड इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। इन 3 लाख लोगों में से 80 से 90% लोग जो हैं, उनकी हालत क्या है उसका एक मुख्तसर सा बयान है ये डॉक्यूमेंट्री लिविंग ऑन द एज डीग्लैमराइजिंग बॉलीवुड। ये लोग कौन, इनकी ये जो हालत है बाय चॉइस है या फोर्स्ड अपॉन है, डू दे डिजर्व दिस, हु आर दे कंसिडर्ड, आर्टिस्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल्स, लेबर, आर देयर एनी रेगुलेटरी बॉडीज और रेगुलेशंस फॉर देम? Do they have any right to live with dignity? Is society aware of their working conditions? हम सब आवाज बन सकते हैं इनकी, जिसे आगे बढ़ाना, स्टेकहोल्डर्स तक पहुंचाने हम सबको जरूरत है। इसमें तमाम मीडिया की भी सहायता चाहिए। और जब आवाज पहुंच जाएगी तो शायद ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज की वाकई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर तब तक आइए देखते हैं लिविंग ऑन द एज डीग्लैमराइजिंग बॉलीवुड। डॉक्यूमेंट्री शुरू करने से पहले उपेंद्र चांदना जी, जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को कंसीव किया है, दिस इज हिज लेबर ऑफ लव। मैं चाहता हूँ कि उपेंद्र जी आए, अपनी डॉक्यूमेंट्री के बारे में 2 शब्द कहें। आप सबसे दरख्वास्त है कि अपने मोबाइल्स साइलेंट पर रखें। थैंक यू सो मच।